साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद खान बुख्टी साहब हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, वो इस चीज पे ज्यादा अच्छी तरह से, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से इस पर रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, कहाँ से ताल्लुक है, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी से आप मुंसलिक हैं, कब से मुंसलिक हैं उस हवाले से बताइएगा, और क्या स्पेशलिस्ट हैं आप? जी थैंक यू सो मच मुताहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इनवाइट किया K21 का आपके हेल्थ चैनल का माशाल्लाह। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खान बुख्टी है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का। माशाल्लाह वी आर रनिंग अवर सेटअप फ्रॉम 2012 और माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुली जो है हम लोग अपना जो है वो सेटअप रन कर रहे हैं और उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट हम जो है वो डील करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। जैसे आपने जिक्र किया अभी फिजियोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी के अंदर जो है वो हमारी ऑर्थोपेडिक रिहैब आ रही होती है, हमारी न्यूरोलॉजिकल रिहैब आ रही होती है, हमारी न्यूरोसर्जिकल रिहैब होती है, बच्चों का आपने जिक्र किया कि पीट्स रिहेबिलिटेशन से हम जो है हमारे पेशेंट होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेटअप अभी जो है हम लोग करंटली हमारी माशाल्लाह हम लोग जो है हमारी फर्स्ट चेन हम लोग रन कर रहे हैं फिजियोथेरेपी सेटअप ही पाकिस्तान के अंदर, वी आर द फर्स्ट वन के जिनके हमारे माशाल्लाह जो है हमारी जो है वो 6 to 7 हमारी ब्रांचेज हैं सिर्फ कराची के अंदर जो है हम लोग रन कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज जो है हमारी मेडिकल हेल्थ में उसमें हम डील करते हैं। अच्छा ये तो तमाम चीज़ हो गई कि आप क्या डील करते हैं, किस तरह से डील करते हैं, 2012 से आपने बताया कि ये तमाम चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी इस केस के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है, मैं फिर इस बीमारी की तरफ जाऊंगा कि क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी का क्या किरदार है पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी अपना किरदार अदा करता है, कैंप लगाता है, फ्री मेडिकेशन करता है, फ्री टेस्ट होते हैं, क्या किरदार रहता है इसमें? जी देखिए आपको जैसे माशाल्लाह से साहब ने जिक्र किया कि हमारे हर रोज की बुनियाद पे हमारी जो है वो 6 से 7 ब्रांचेस जो है वो हमारे फ्री मेडिकल कैंप हम लोग कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमारी जो है वो फ्री सेमिनार्स होते हैं, हम लोग मेडिकल एजुकेशन सेमिनार्स करवाते हैं, इसको हम CME कहते हैं, उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है उसमें डिस्कस किया जाता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, UIT आपका जो है क्या कहते हैं UTI हो गया, आपका बैक एक हो गया, आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो है इसमें हम जो है पेशेंट में जो है हमारी आगाही के सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम लोग ये सेमिनार जो है बेसिकली आपको पता होगा कि ये डेली बेसिस पे होते हैं, मतलब हमारी कोई ना कोई ब्रांच जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांच में जो है ये चल रहा होता है। इसके साथ साथ हमारी जो है वो आपको पता है कि फ्री मेडिकल कैंप है, उसके साथ साथ ईसा लैब जो है वो हमारी आपका बिलीव करती है आपके क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, हमारे जो है वो आपके कहते हैं वुमेन की जो है बाइक रैली वगैरह है इस पर हम लोग करवा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हमारी जो है वो मैराथन होती है, लास्ट ईयर डॉक्टर ईसा लैब ने जो है मैराथन एक अरेंज करवाई थी माशाल्लाह, इस साल भी हमारा प्लान है कि हम इस पर अरेंज कराएंगे। अभी लास्ट वीक हमारा जो है वो एक गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो खत्म हुआ है, उसमें डॉक्टर ईसा लैब ने अपना जो है वो एक मेजर पार्ट अपना प्ले किया था। डिफरेंट हमारे टेनिस जो होते हैं आपके क्या कहते हैं टेनिस की चैंपियनशिप है उसमें डॉक्टर ईसा लैब जो है अपना पार्ट प्ले करती है, उसको अरेंज करवाती है, मतलब हमारे आपको पता होगा जो हमारे CEO डॉक्टर परानी साहब उनका वो खुद भी जो है वो उनके स्पोर्ट्स से उनका है वापस भी है, तो वो उनको देखते हैं मतलब जो है मतलब अपना क्या कहते हैं मतलब नजर देखते हुए वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज भी रखते हैं जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौजवान बच्चा इस चीज के अंदर फिजिकल फिटनेस के अंदर रहे। अच्छा एक तरफ तो ये तमाम बातें हो गई, दूसरी जानिब डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के अंदर ऐसी सहूलियात अब प्रॉपर मौजूद हैं जो हम स्टैंडर्ड लेवल जो इंटरनेशनल लेवल है उसको बीट करते हैं, और खास तौर पे दीगर ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं, हमने तकरीबन डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऐसे कर दिए हैं, तो इस चीज़ को लेके जो थेरेपिस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट है इस हवाले से लेके क्या हम इंटरनेशनल लेवल को चेस कर सके हैं अब तक? डेफिनेटली हमारे जितने भी हमारे सेटअप हैं, एक तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी लैब्स हैं ठीक है, और इसमें आप भी देखेंगे कि जितने भी हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं चाहे वो लैब के हों, चाहे वो हमारे फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो हमारे डेंटल डिपार्टमेंट के हों, चाहे हमारी जो रेडियोलॉजी हो, इसमें जो है वो हम अप टू द मार्क जो है हमारी परफॉर्मेंस होती है, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है। जैसे कि हमारे और जो हमारे मैं नाम नहीं लूँगा बट जो हमारे जो है लैब्स वगैरह होती हैं या हमारे जो रेनाउंड हॉस्पिटल्स हैं वो अपने इक्विपमेंट्स और मशीनरीज यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही उसी ही लेवल की बल्कि उससे बेटर लेवल के हम लोग हमारे पास हैं। आप बात करते हैं एम्प्लॉय के, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह जितने भी हम अगर हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं हमारी चेन ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का मैं बात करता हूँ पर्सनली, तो हमारे पास जितने भी
मेरा हमारे थेरेपिस्ट हैं वो माशाल्लाह मास्टर्स हैं, मास्टर्स इन अपने आप क्या कहते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, कोई जो है मस्कुलर रिहैब है, कोई पीट्स रिहैबिलिटेशन के अंदर है, कोई न्यूरो रिहैबिलिटेशन में है, कोई स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में है. हमारे जितने भी पेशेंट ऐसे इंक्रीज कराते हैं फिर अकॉर्डिंगली उन पेशेंट्स को जो है उनमें फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं. हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हमारे थेरेपिस्ट हैं जिससे मैंने जिक्र किया न्यूरो का, स्पोर्ट्स का, कार्डिक का, पीट्स का, तो उनके अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है. अमूमन हमारे कराची में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है कि एक सिंगल थेरेपिस्ट जो है वो एक अपना क्या कहते हैं ऑल राउंडर बना हुआ होता है और जो है ना वो वही वही पीट्स देखता है, वही ऑर्थोपेडिक देख रहा होता है, बट हमारे ये जो है हमने स्पेशलिस्ट हमारे मुकर्रर हैं वो जो है बेसिकली हम पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक डॉक्टर होता है जो ऑलराउंडर बना हुआ होता है. ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि हर चीज़ के लिए अलग स्पेशलिस्ट हमने रखा हुआ है, अलग सर्जन हर चीज़ के लिए होना चाहिए. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ की बीमारी की तरफ आ जाऊँ. क्या सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं थेरेपिस्ट के हवाले से और ऑर्थोपेडिक के जो मसाइल हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम इंट्रो में भी बात कर चुके हैं बचपन से ये चीज़ कैरी होना शुरू हो जाती है अगर आपके जीन्स के अंदर ये मौजूद है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो शुरुआत में नजर आते हैं, किस चीज़ को पहले इंसान ज़्यादा प्रेफर करना चाहेगा? देखिए, ऑर्थोपेडिक रिहैब जो है ना, ऑर्थोपेडिक रिहैब में एक वास्ट डोमेन है. हम मोस्ट कॉमन जिसमें जो कंडीशंस हमारी होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है. इसमें हमारी का सिर्फ अगर हम सिर्फ बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो है 25% पॉपुलेशन जो है वो इससे गुजर रही है. बिल्कुल. अब वो आपका अर्बन एरिया हो या आपका जो रूरल एरिया हो, ये हमारी मोस्ट कॉमन है. अब इसमें क्या है कि एक तो हमारी डाइट इसमें काउंट करती है, हमारी बेसिकली जो डेली एक्टिविटीज हैं वो हमारी काउंट कर रही होती हैं, हमारा शू वेयर जो है वो इसमें काउंट कर रहा होता है. अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट बेसिकली अक्सर आपने सुना होगा कि पेशेंट आ रहा होता है विद अ कंप्लेन ऑफ नी पेन ड्यूरिंग यूजिंग स्टेयर्स, जब पेशेंट जीना चढ़ रहा हो, या हमारे पास पेशेंट आते हैं कि वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब हम नमाज में जाते हैं, रुकू में बैठते हैं, अपना क़याम में बैठते हैं, उस वक्त जो है वो हमें तकलीफ जो है वो शिद्दत में आती है. बेसिकली होता क्या है, मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, इसके पीछे जो है आपके कहते हैं पैथोलॉजी क्या है, जब भी आपकी नी ज्वाइंट पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा उस वक्त जो है वो आपका नी ज्वाइंट जो है वो पेन उसमें आकर होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो पेन डेवलप होता है और आपकी वो जो सर्टेन मूवमेंट होती है जो मैं मतलब जैसे जिक्र किया कि स्ट्रेट्स यूज करना हो गया या हमारे जो है नमाज में क्याम में जो हमारी फुल स्पिन नी बैंड हमारा हो जाता है. मुझे ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये जो आपने ज्वाइंट पेन के हवाले से बताया, नी पेन के हवाले से बताया, क्या वजूहत होती है इसकी, ऐसी किस चीज से हम परहेज कर सकते हैं जो इन चीजों का शिकार ना बन सके, इस दर्द का शिकार ना बन सके, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ 21 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. और जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या बीमारियां ऐसी हैं या किस चीज़ की वजह से जो आपके नी पेन होता है खासतौर पे, और उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए अक्सर होता है कि आवाज़ आती है आपके नी में से और वाकई एक परेशानी का बायस है, क्या वाकई ऐसा है डॉक्टर साहब? क्या ऐसी वजूहत हैं कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ों का शिकार एक इंसान हो जाता है बचपन से ही लेके? आप नौजवानों को भी देखते हैं, उनके साथ भी ये होता है, बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनके साथ भी यही होता है, तो क्या ऐसी वजूहत है? जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो एक मेन फैक्टर आपका जो उसका आता है वो आपका आता है एजिंग. हमारे यहाँ ये होता है कि अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें मोस्ट कॉमन पेशेंट जो एज एक एज ग्रुप जो है वो है बेसिकली आपकी आफ्टर 40s के जो है वो पेशेंट जो है वो आ रहे होते हैं. आपके 40 to 60 to 70 जितने भी पेशेंट हैं इनमें जो है ये मोस्ट कॉमन है. अब इनके पीछे जो वजूहत क्या है, अब वही पहले कि उनकी डाइट कि वो उनकी डाइट कैसी थी, उन्होंने डाइटरी इंटेक कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कि आधा इधर वो किसी अपने हेल्दी एक्टिविटी में थे. ठीक है, अब होता क्या है कि हम आफ्टर 30 जो है हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारी जो हम अपने खुद सेहत पे जो है वो क्या तवज्जो हमारी कम हो जाती है. ठीक है, और फिर हम जो है वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो उसी तक महदूद हो जाते हैं. और बेसिकली क्या होता है आफ्टर 35 जो है वो आपकी जो है बोनी डिजनरेशन होने शुरू हो जाती है. एक
एज है, उस एज के बाद जो है फिर आपकी बोन जो है वो डिकंस्ट्रक्शन होती है उसकी, आपकी हड्डी जो है वो भुरभुरी बनना शुरू हो जाती है। अगर इसमें अगर हमने एक्सरसाइज वगैरह हमारी कोई प्रॉपर फॉलो नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होती, एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं होती, हमारा सन एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं होता, तो डेफिनेटली वो हमारी हड्डियों को जो है वो कॉज कर रहा होता है। अब सेकेंडली आती है, आप हम जब भी चलते हैं, जब भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है हमारे ब्लड जो है, हमारे मसल्स होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं और वो ब्लड जो है हमारी बोन्स को मिल रहा होता है। जब आपकी एक्टिविटी ही इतनी कम होगी तो मसल्स क्या उसको जो उनको एक सप्लाई करना है ब्लड वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उन बोन्स को, और फिर उसके बाद जो है वो बोन जो है वो फिर वीक की तरफ, वीकनेस की तरफ आने शुरू होती है। अच्छा, ये एक फैक्टर और है कि अक्सर हम देखते हैं कि कभी कोई अगर किसी के मसल में पेन होता है, किसी के ज्वाइंट में पेन होता है, तो आजकल घरेलू टोटके जिसे कहते हैं बहुत मशहूर हो चुके हैं और लोग घरों में कोई ना कोई एक्सरसाइज करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी का रुझान जो है वो हम देखते हैं कि ज्यादा अभी तक दिखाई नहीं दिया है, वजहात ऐसी क्या है जो फिजियोथेरेपिस्ट अपना अभी तक क्या बाखूबी किरदार अदा नहीं कर पाए हैं, या लोगों को आगाही सही से फराम नहीं की जाती है, करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचाई जाती है, वजहात क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जैसे आपने बताई ना कि घरेलू टोटके, कि अगर मुझे सिर्फ काफ में स्ट्रेन हो रहा है तो मुझे किसी ने, खातून आती है मोहल्ले की या कोई भी आता है, घर का बंदा बोलता है कि फलाने को जो है उसने ये हुआ था, उसने जो है ये चीज खा ली थी, उससे वो चीज हुआ था। अब सिर्फ अगर हम सिर्फ एक मसल पेन की बात करें ना, तो मसल पेन की जो है वो डिफरेंट कंडीशन है, आया वो मसल टाइटनेस है, आया उस मसल के नीचे जो आर्टेरियल सप्लाई हो रही है उसमें कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, आया उस मसल के जो साथ में कोई नर्व गुजर रही है वो क्या वो नर्व कंप्रेस हो रही है, तो इसको बेसिकली प्रॉपर इवेल्यूएशन इसकी जो है वो लाजमी है। तो हमारे पास होता क्या है कि पेशेंट एक अपने सही बात की के लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है फिजियोथेरेपी की, कि आप जाके कंसर्न करें फिजियोथेरेपिस्ट से कि भाई हमें ये तकलीफ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक टोटके जो होते हैं वो आजमा लेते हैं, उसके बाद जो है वो उसने जो है वो एक जॉइंट पेन की कोई गोली खा ली थी उससे उसका सही हो गया था, तो वो हम पेन किलर से पेन किलर ले रहे होते हैं बजाय कि उसके उसको हम जो है प्रॉपर जो है रूल आउट करें आया उसकी कॉज क्या थी। अच्छा, ऑर्थोपेडिक के अंदर सिर्फ पेन किलर लेना ज्यादा नुकसानदेह है जब तक फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको जो देखें डेफिनेट कुछ ऐसी कंडीशन बिल्कुल मोस्टली ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें आपकी पेन किलर जो हैं जितने भी पेन किलर्स हैं ये आपके स्टमक में जो है एसिडिक एक्टिविटी बढ़ा रही होती है, ठीक है। आजकल मोस्टली जितने भी ऑर्थोपेडिक जो अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या जो फिजिशियन हैं वो रेफर करते हैं पेशेंट को फॉर देयर मोर बेटर रिकवरी, ठीक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए उनके पास जो है वो प्री ऑप पोस्ट ऑप रिहैब है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो रेफर नहीं करते, नहीं, दे आर रेफरिंग पेशेंट जो उनको अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन के बाद ये नहीं होता कि हड्डी जुड़ गई, अगर मेरी पैर की हड्डी टूटी है और मुझे मेरा ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद मेरी जो है उस पैर की पूरी मेरी वॉक और मेरी सही तरीके से वॉक कि मैं आया उस पैर पर पूरा वेट डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा, मेरे उस ज्वाइंट की रेंज कंप्लीट है। अक्सर ये होता है कि लोग ऑपरेशन करवा जाते हैं, ऑपरेशन के बाद घर बैठ जाते हैं, ठीक है, पेन की वजह से जो है वो फिर ना चलते हैं, तो उनका क्या होता है मसल वेस्टिंग होने शुरू होती है, मसल टाइटनेस जिसको मसल कॉन्ट्रेक्चर कह रहे होते हैं, मसल कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो जाते हैं और आपकी ज्वाइंट जो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता। अच्छा, अभी जो सूरत हाल देखते हैं आप, जो इस वक्त खासतौर पर डाइटिंग के हवाले से होता है या कहते हैं कि शहर का पानी थोड़ा सा चेंज होता है गांव की नस्बत, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, कौन सी एज का ज्यादा क्राइटेरिया है जो कि इस चीज का ज्यादा शिकार नजर आता है? इसमें मोस्ट कॉमन जो है, मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारी जो आपके आफ्टर 40 जो है ना वो उसमें मोस्ट कॉमन है, और फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि फीमेल में हमें पता है कि मोनोपॉजल से जो है पीरियड पे शुरू हो जाते हैं इनका, तो उसमें उसमें जो है वो आपके एस्ट्रोजन जो है वो प्ले करता है, अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, ठीक है। तो एक तो होगी फीमेल, फीमेल आफ्टर 40, और हमारे जो मेल के अंदर भी आप देखेंगे आफ्टर 40-45 पेशेंट जो है वो आगे कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारे बेसिकली आपका क्या कहते हैं जो है रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये क्या है कि उनकी थोड़ी सी अभी भी लाइफस्टाइल हमसे बेहतर है, वहाँ पे वो जो है पैदल वॉक कर लेते हैं, ठीक है, उनकी जो है जो जमीनों की ऐसी एक्टिविटी होती है, जो अपने जमीन में काश्तकार हैं वो अपने जो उनके जो एक्टिविटी होती है वो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है पूरी जनरलाइज मूवमेंट उनकी होती है, तो वो जो ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में होता है वो बेहतर हो रहा होता है, ठीक है, अनलेस कोई ऐसी इंजरी हो कि वो कोई जो काम जो है वो किसी गलत पैटर्न से कर रहे हैं, उनका जो है वो जो लिफ्टिंग टेक्निक वगैरह जो भी उनकी है वो गलत
तो वो उनका पेन कॉज होगा। अदरवाइज आप हम देखेंगे कि एक जो हमारे कोई गांव देहात का बंदा होता है और एक शहर का बंदा होता है, उसकी जो है मस्कुलेचर जो है वो हमारे नॉर्मल जो हमारे शहर में रह रहे होते हैं उससे बहुत फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं। वो फिजिकली स्ट्रांग क्यों होते हैं कि उनकी जो है वो एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि वो डेली वो जो है वो 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर लेगा, डेली जो है वो किसी ना किसी जो है अपने जमीनों के काम में जो है लगा रहेगा ताकि वो जो है उसके मसल्स जो है वो इतने डेवलप हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं हमारी ऑफिस लाइफ होती है, हम 9 to 5 जो है वो ऑफिस के अंदर अपना मुसलसल सिटिंग हम एसी में बैठे रहते हैं, सन एक्सपोजर हमारे को मिलता नहीं है, ठीक है, और बैठे वैसे ही काम हो रहा है तो जो हमारी बॉडी का सिस्टम जो मसल्स को ब्लड पंप करना है प्रॉपरली वो हो नहीं अच्छा, रहा होता। इसी पे मुझे आपने इससे पहले भी इस चीज़ का बात बताई कि एक जो हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आता है और थोड़ा सा हम उसको सेटल कर सकते हैं तो चीजें बेहतर हो सकती है। बैटरी का जिस तरह से आपने बताया कि हमारा ऑफिस में भी बैठना है फिर घर पे भी बैठना है फिर हमारी जो सवारी है वो ऐसी है कि जिससे आपकी बैकबोन बहुत मुतासर होती है। बिल्कुल, हम देखते हैं ऐसी चीजें कि किसी का ऐसा सुनने में आता है कि किसी के मोरे हिल गए हैं या किसी के ज्वाइंट ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए और डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के अंदर इस चीज के लिए फैसिलिटी क्या क्या है? जी डेफिनेटली, देखें इसको हम काउंटर कैसे करते हैं कि आपका बेसिकली क्या होता है कि आपने जो हमसे प्रोलॉन्ग सिटिंग की बात की कि प्रोलॉन्ग सिटिंग जो है वो एक इसमें मेजर कॉज होता है हमारे बैक के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, हमारे जितने भी बैंकर हजरात होते हैं या जो भी आईटी रिलेटेड पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है कि इनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, ठीक है, जितने भी आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होगी वो क्या करेगी वो आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस डालेगी, ठीक है, और आपकी जो स्पाइन के आपको पता होगा कि हमारे स्पाइन से कनेक्टेड है मसल्स और उसी स्पाइन के बीच में से निकल रही होती है नर्व जो हमारे जो है वो लिम्स को और हमारी नेक से निकल के हमारे हाथ वगैरह में सप्लाई हो रही होती है, हमारे हैंड में सप्लाई होती है। जब ये कंप्रेशन होगी तो क्या होगा कि आपको हमारी नमनेस फील होगी, हमारे लोअर लेग जो है वो आपको नमनेस फील होगी। मोस्ट कॉमन कॉज आपकी जो है क्या कहते हैं शेटका होता है कि मोस्ट ऑफिस वर्कर्स में जो ये मोस्ट कॉमन है उनको जो है वो शेटका की कंप्लेन आ रही होती है। तो उसमें एक तो ये सेकेंड फिर क्या होता है कि हमारी जो है हम ऑफिस में बैठे हुए हैं एसी में बैठे हुए हैं तो हमारे को पानी की प्यास कम लगती है, ठीक है, और हमारा वाटर इनटेक जो है वो कम होता है। जब वाटर इनटेक आपका कम होगा तो क्या होगा कि मस्कुलर डिहाइड्रेशन हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके मसल्स जो है उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है वो मसल टाइटनेस करवाता है और वो मसल स्पैजम में आपका आना शुरू होता है और वो मसल स्पैजम जो है फिर डिफरेंट आपके जितने भी बैक एक है और सर्वाइकल पेन है वो इसमें आपका मेजर पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो जब भी आप बैठे एक तो आधा घंटा बैठे जैसे अच्छा डॉक्टर ईसा लैब इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम लोग प्योरली एर्गोनॉमिक्स पे हम लोग जो है वो सेमिनार्स करवाते हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने खुद बल्कि लास्ट वीक मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया है, ठीक है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसमें हम लोग बेसिकली यही आगाही देते हैं उन लोगों को कि हमारा जो बैठने का पोस्चर है जो हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं वो ऑफिस में बैठ रहे हैं तो उनका पोस्चर कैसा हो, ठीक है, कितनी देर बैठे, उनकी टेबल की हाइट क्या होनी चाहिए, उनकी चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए, जो उनके चेयर के आर्म रेस्ट है वो किस लेवल पे होने चाहिए, जो उनकी बैक रेस्ट है वो कैसी हो, ठीक है, या कोई अपना हमारे मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है उस इंडस्ट्रियल वर्क में जो है वो उनकी लिफ्टिंग टेक्निक होती है या उनका जो जो प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वो काम कर रहे होते हैं उसका लेवल क्या होना चाहिए, आपकी स्टैंडिंग कितनी देर की हो, तो हम पूरे इसमें जो है डॉक्टर ईसा लैब के जो है बिहाफ पे हम लोग एक पूरा सेमिनार कंडक्ट करते हैं और उसमें पेशेंट जो है लोगों को जो है वो उसके बारे में गाइडेंस दे रहे हैं। प्रोग्राम अब एंडिंग की तरफ है, मैं जाते जाते आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा, अपकमिंग क्या ऐसे मंसूबे हैं जो कि आने वाले हैं और क्या सूरत हाल है, डॉक्टर ईसा इस लैब जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करेगी और ख़ासतौर पे जो हर्डल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई ऐसा हर्डल होता है जिसमें गवर्नमेंट भी ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सकती है, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के लिए ऐसे क्या हर्डल्स थे या अभी भी मौजूद हैं जिसको क्लियर किया जा सकता है या गवर्नमेंट की हेल्प के जरिए मजीद, क्योंकि पब्लिक जो मामला है वो यकीनी तौर पे उनके जो मसाइल हैं वो ज्यादा हल करना ज्यादा अच्छा लगता है, गवर्नमेंट इसमें क्या किरदार अदा करेगी, डॉक्टर ईसा इसमें अपना क्या किरदार अदा करेगी? देखिए डॉक्टर ईसा का किरदार ये है कि बेसिकली हमारी हमें ये होता है कि हम मैक्सिमम अपने हमारी पब्लिक को जो डिलीवर कर सकें, ठीक है, और माशाल्लाह और ये होता भी है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो है क्या कहते हैं जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है हमें उनसे सपोर्ट जो है वो जब ऐसे कोई एक्टिविटीज होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट मिल जाती है वहां से, वो हमारे जो जो उनकी रेंज में होता है जो जो वो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उस लेवल पे कर सकते हैं। हमारा मैक्सिमम हमारा ये होता है कि हम अपने बिहाफ पे जितना हम मैक्सिमम पब्लिक को डिलीवर कर सकें हम उसमें कर सकते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि बेसिकली जितने भी माशाल्लाह जो हमारे जितने भी पार्क्स वगैरह जो हैं कराची के अंदर बेसिकली इनको जो है वो प्रॉपरली थोड़ा सा किया जाए ताकि जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर
ये एटलीस्ट जो है वो हम लोग करवा सकें, इसमें जो है वो एक मेजर रोल प्ले हो जाएगा अगर गवर्नमेंट में अपना पार्ट पुट करती है। अच्छा, अपकमिंग क्या ऐसे मंसूबे हैं डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट को लेके, क्या नया वो ऐसा शुरू करने वाले हैं जिससे आवाम ज्यादा अच्छे मुतमईन हो सके, मुस्तफीद हो सके? जॉइंट एडवेंचर हम लोग शुरू कर रहे हैं विद हमारा एक फिटनेस प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिटनेस कोर्स है, जिसमें हमारे बेसिकली एक्सपर्ट जो है हमारे फिटनेस ट्रेनर जो है वो पार्ट प्ले करेंगे, उसमें हम जो है वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हमारे जो है जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मैं उनको दावा दूंगा कि आप आए उसमें अपना पार्ट अपना एडमिशन लें। हम इसमें जो है फिटनेस कोर्सेज हैं, एक तो हमारा अपना एडवेंचर है, सेकेंडली हम लोग माशाल्लाह ईसा लैब जो है अब वो एक्सपेंड हो रही है आउट ऑफ कराची और बल्कि आउट ऑफ प्रोविंस हम लोग जा चुके हैं, अब इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, पिंडी वगैरह में हमारी जो है वो ब्रांचेज हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जैसे हमने अपनी लैब्स वगैरह वहाँ पे एक्सपेंड की है, तो हमारा यही प्लान है कि हम अपने फिजियोथेरेपी सेटअप जो है इंशाल्लाह वहाँ पे स्टार्ट करेंगे और वहाँ की पब्लिक को जो है वो इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम हमारे जो मेडिकल कैंप्स जैसे हम यहाँ पे अरेंज करते हैं प्री मेडिकल कैंप्स, यही हमने इंशाल्लाह वहाँ पे हमारा प्लान है कि वहाँ पे स्टार्ट करें और उसके बाद वहाँ की जो आवाम को जो है जितना बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान बुख्टी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और खासतौर पर ऑर्थोपेडिक के जो मसले मसाइल और जो यकीन तौर पर बचपन से इस चीज़ को कैरी करते हैं, उस चीज़ के लिए क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, और यकीन तौर पर हम फिर यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ के लिए घरेलू टोटका नहीं होता, छोटा मोटा आपका अगर बुखार है तो आप छोटी सी टैबलेट ले लें या कुछ भी व्हाटएवर सो जो आप ज़्यादा बेहतर समझें, लेकिन ये वो बीमारियाँ हैं इसमें ना तो पेनकिलर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम दे सकता है ना घरेलू टोटके, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही ख़तरनाक है और ना सिर्फ ये बचपन बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। एक नी का पेन हो या आपके शोल्डर का पेन हो या बैकबोन, इसमें डॉक्टर बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी जो कि प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद भी एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है और इसमें यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को भी अपना बखूबी किरदार अदा करने की ज़्यादा ज़रूरत है और जो आवाम को आगाही फराहम करनी है, शायद इसी वजह से अभी तक फिजियोथेरेपिस्ट का जो रुझान है वो आवाम में नहीं पहुंचा है कि एक आगाही मुहिम यकीन तौर पे होनी चाहिए और तकरीबन हर साल और हर महीने ही होनी चाहिए ताकि आवाम इससे आगाही फराहम करें और इससे मुस्तफीद हो सकें और अपने आने वाली जो नस्लों की जो ये बीमारियां हैं इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ, मुझे रिपोर्टिंग को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।